नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम ट्रांजिशनल करिकुलम की बात करने वाले हैं। तो ये ट्रांजिशनल करिकुलम क्या होता है, सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही आप बीएमएस के अंदर एडमिशन लेते हो, तब ट्रांजिशनल करिकुलम नाम का एक 15 डेज़ का प्रोग्राम होता है, उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसका जो मेनली काम होता है वो ये काम होता है कि आपको आयुर्वेदा से इंट्रोड्यूस करवाना। ये एक तरीके से आपका पाथ बनाता है ट्रांजिशनल करिकुलम। इसके अंदर आपको आयुर्वेदा की बेसिक्स नॉलेज दी जाती है। हम यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांजिशनल करिकुलम के अंदर क्या-क्या बताया जाता है। तो इस साल का जो ये ट्रांजिशनल करिकुलम है, ये NCISM द्वारा बनाया गया है, और इसके अंदर जो मेनली फोकस है वो आयुर्वेदा के ऊपर किया गया है। और ये जो नॉलेज है आपको आयुर्वेदा की, ये फेमस वैद्यास द्वारा आपको दी जाएगी। फिर उसके बाद में ये जो ट्रांजिशन करिकुलम प्रोग्राम है, ये पिछले साल से चालू हुआ था, और ये 15 डेज़ का प्रोग्राम होता है, और इसके अंदर डेली 6 आवर के लेक्चर्स होते हैं। इट मीन्स अगर आप 15 डेज़ × 6 आवर करोगे तो ये 90 आवर्स का प्रोग्राम हो जाता है ट्रांजिशन करिकुलम, जो कि आपको करवाया जाता है शुरुआत के 15 दिनों के अंदर बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पिछले साल से जो इसका पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। जो पैटर्न था इसका 2020 के अंदर ट्रांजिशन करिकुलम का, वो पैटर्न 2021 के अंदर, उसके अंदर डिफरेंस आया है। अब वो क्या डिफरेंस आया है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। उससे पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि गाइज, ये ट्रांजिशन करिकुलम करवाना इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो आयुर्वेदा की जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको पहले पता नहीं होती है और दी भी नहीं जाती है। आपने कभी वात पित्त कफ नाम नहीं सुना होगा, सप्त धातु क्या होती है, अष्ट प्रकृति क्या होती है, सृष्टि उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं है। तो रस रक्त मास मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु होती है। तो जो बेसिक सिद्धांत है आयुर्वेदा के, जो नॉलेज है आयुर्वेदा की, जो डिपार्टमेंट्स है आयुर्वेदा के, जो और आयुर्वेदा का ओरिजिन कैसे हुआ, बेसिक नॉलेज क्या है आयुर्वेदा का, संस्कृत का नॉलेज, बाकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपको डिपार्टमेंट विजिट करवाया जाता है आयुर्वेद का, फिर इसके अंदर आपको बेसिक लाइफ सपोर्ट नाम की एक ट्रेनिंग दी जाएगी, ये इस साल नया ऐड हुआ है इसके अंदर। फिर उसके बाद में आपको कंप्यूटर स्किल सिखाई जाएगी जो कि आपकी मदद करेगी रिसर्च, टेली मेडिसिन एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में। ट्रांजिशनल करिकुलम ख़त्म होने के बाद में आपको एक फीडबैक फॉर्म भरना पड़ेगा। इस फीडबैक फॉर्म के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि ट्रांजिशन करिकुलम आपको कैसा लगा, और आपको फीडबैक देना पड़ेगा पूरा। फिर उसके बाद में आपको प्री और पोस्ट टेस्ट देने होंगे। प्री और पोस्ट टेस्ट से आपका डिफरेंस पता है लगाया जाएगा कि पहले आपको कितना नॉलेज था आयुर्वेद का और बाद में कितना नॉलेज हुआ आयुर्वेद का। इससे आपका जो आउटकम है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके की कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई है इस साल ट्रांजिशनल करिकुलम 2021 के अंदर। फिर उसके बाद में यहाँ पर सबसे मेन जो संस्कृत का नॉलेज है, जो संस्कृत का बेसिक नॉलेज है, वो भी आपको मेनली दिया जाएगा ट्रांजिशन करिकुलम के अंदर। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रांजिशनल करिकुलम प्रोग्राम फॉर फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर मेनली ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें आयुर्वेद के बारे में नॉलेज नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी जो एग्ज़ाम है 12th क्लास की, वो CBSE ISC अलग अलग बोर्ड से पास आउट की गई है, और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में उन्होंने पढ़ा है। लेकिन जो आयुर्वेद है इज़ ए यूनिक मेडिकल सिस्टम विथ सब्जेक्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज दैट आर डिफरेंट एंड टिपिकल। लेकिन ये आयुर्वेद है, ये यूनिक मेडिकल सिस्टम है अपने सब्जेक्ट्स के साथ में, और इसकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो भी डिफरेंट है और टिपिकल है। इसलिए जो ये ट्रांजिशन करिकुलम है, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें यहाँ पर आयुर्वेद को समझने के लिए। ये हमें एक तरीके से पाथ प्रोवाइड करता है आयुर्वेद को समझने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं ट्रांजिशन करिकुलम के, वो मैं आपको एक एक पढ़कर बताता हूँ। तो ओरिएंटेशन ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशनल कैंपस एंड द अवेलेबल फैसिलिटीज़। फिर उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द कैंपस हायरार्की एंड देयर रोल्स, ओरिएंटेशन टू द ऑफिस प्रोसीजर्स कैंपस रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड ड्रेस कोड इफ एनी रूल्स एंड प्रोसीजर आर अवेलिंग लीव, प्रोसीजर फॉर अवेलिंग लाइब्रेरी फैसिलिटी, एंटी रैगिंग कमिटी स्क्वाड, सेफ्टी एप्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पर शुरुआत में तो बेसिक बेसिक चीज़ों के बारे में बताया हुआ है कि एंटी रैगिंग कमिटी वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अगर आपको कॉलेज में कोई परेशान करता है, कोई सीनियर वगैरह, तो आप एंटी रैगिंग कमेटी में
आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो, आपको लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें शुरुआत के 3 पॉइंट्स के अंदर है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू वेरियस मेडिकल सिस्टम, स्कोप ऑफ आयुर्वेदा नेशनली एंड इंटरनेशनली, हायर एजुकेशन इन आयुर्वेदा, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप, BMS स्कोप, आयुर्वेदा का स्कोप, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा वैद्यास के द्वारा। फिर इसके बाद में एन ओवरव्यू ऑफ BMS करिकुलम एंड सब्जेक्ट्स, और आपको BMS करिकुलम है उसका एक ओवरव्यू दिया जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स आप BMS के अंदर पढ़ने वाले हो उन सारे सब्जेक्ट्स का आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। जैसे कि आपको BMS फर्स्ट ईयर के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी हर एक सब्जेक्ट्स के बारे में, जो कि हर एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर होने वाला है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है, ओरिएंटेशन ऑफ रेगुलेटरी एंड गवर्निंग बॉडीज एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द हेड्स। फिर उसके बाद में जो रेगुलेटरी बॉडीज़ है, जो गवर्निंग बॉडीज़ है, उनका इंट्रोडक्शन, हेड्स वगैरह का इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा आपसे। फिर उसके बाद में जो संस्कृत लैंग्वेज है उसका ओरिएंटेशन होगा और आपको संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा। इट मीन्स संस्कृत वदंतु, इस नाम का एक अलग से प्रोग्राम होगा आपका ट्रांजिशनल करिकुलम के अंदर। फिर आपको गोल सेटिंग करना सिखाया जाएगा। फिर ये बेसिक लाइट सपोर्ट ट्रेनिंग है, ये BSL ट्रेनिंग है, ये इस साल नई इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये भी आपको सिखाई जाएगी यहाँ पर। फिर ओरिएंटेशन ऑफ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, आपकी जो बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है वो भी यहाँ पर सिखाई जाएगी। ये इस वजह से सिखाई जाएगी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च में जाना होगा, फिर टेलीमेडिसिन वगैरह, इन सारी चीज़ों के लिए जो कंप्यूटर स्किल्स होती है वो काम में आती है। फिर उसके बाद में जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टीम बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें आपकी डेवलप की जाएगी। फिर इस कोर्स का क्या आउटकम निकलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। बाय द एंड ऑफ ट्रांजिशनल करिकुलम द स्टूडेंट विल बी फैमिलियर विद द कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज ऑफिशियल एंड देयर रोल्स। तो जो स्टूडेंट होगा वो फैमिलियर हो जाएगा कैंपस से भी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से भी, और जो फैकल्टीज़ है, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके रोल्स वगैरह से, सब चीज़ों से वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। फिर उसके बाद में अंडरस्टैंड एंड बिकम फैमिलियर विद द रूल्स रेगुलेशन ऑफ वेरियर प्रोसीजर ऑफ द कॉलेज और इंस्टीट्यूशन। तो जो कॉलेज के जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है उससे वो फैमिलियर हो जाएगा। फिर अंडरस्टैंड द कोड ऑफ कंडक्ट एंड कैंपस बिहेवियर। फिर अंडरस्टैंड ऑफ स्कोप ऑफ आयुर्वेदा एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो उसे समझने को मिलेगा स्कोप ऑफ आयुर्वेदा और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। इट मीन्स टोटली आपको यहाँ पे BMS का स्कोप, आयुर्वेद का स्कोप यहाँ पर आपको बताया जाएगा। फिर आपको फैमिलियर किया जाएगा BMS के साथ में और उसके सब्जेक्ट्स के साथ में। फिर उसके बाद में जो गवर्निंग बॉडीज़ है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जो कि आयुर्वेदा के अंदर है। फिर उसके बाद में कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग BSL, तो जो बेसिक लाइफ सपोर्ट की जो ट्रेनिंग है वो आप कैपेबल हो जाओगे करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। एक्वायरिंग बेसिक कंप्यूटर स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपकी सिखाई दी जाएगी, और इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड कंजर्वेशन स्किल्स इन संस्कृत। तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो कन्वर्जेशन स्किल्स है संस्कृत के अंदर, वो आपकी बहुत अच्छी कर दी जाएगी। फिर डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़, जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो आपके अंदर डेवलप की जाएगी। एंड द एबिलिटी टू सेट गोल्स, आपके गोल्स आपको खुद से सेट करने हैं, वो एबिलिटी आपको यहाँ पर प्रदान करी जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट में बताया हुआ है कि इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 90 आवर्स रहने वाला है। फिर यहाँ पर आप एक एक चीज़ देख सकते हो ट्रांजिशन करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या होने वाला है। पहले तो आपका इंडक्शन प्रोग्राम होगा, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या होगा। फिर उसके बाद में आपके प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट और फीडबैक फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। उसके बाद में आपको कॉलेज से नोन करवाया जाएगा, जो भी कैंपस के अंदर फैसिलिटीज़ है उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। फिर उसके बाद में आपको ओरिएंटेशन लेक्चर्स दिए जाएंगे अच्छे अच्छे वैद्यास, फेमस फेमस वैद्यास के द्वारा। उसके बाद में जो डेमोन्स्ट्रेशन है प्रोसीजर्स का वो आपको सिखाया जाएगा। फिर उसके बाद में जो मोटिवेशनल लेक्चर्स है वो भी आपको दिए जाएंगे। फिर उसके बाद में जो संस्कृत लैंग्वेज का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, जो कि वदंतु संस्कृतम इस नाम से होने वाला है, ये अलग से आपको सिखाया जाएगा। इसके अंदर आपको संस्कृत बोलना सिखाई जाएगी। फिर उसके बाद में आपकी कंप्यूटर स्किल्स और ऐप इंस्टॉलेशन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। इसके अंदर यहाँ पर बताया भी हुआ है क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। फिर उसके बाद में जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है और फर्स्ट एड है, जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है और जो फर्स्ट एड किट है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करी जाएगी आपकी, और जो गोल सेटिंग है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। तो गाइज़ ये जो PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर लेना इसको।
फिर उसके बाद में जो वदंतम संस्कृतम है, जो अलग से मैंने आपको बताया संस्कृत बोलने के लिए कोर्स होने वाला है, इसके अंदर देखो आपको क्या क्या सिखाया जाएगा ये भी यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर आपको देखो संस्कृत बोलना, संज्ञा, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, वर्तमान रूप, डिस्कशन ऑन प्रीवियस टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें, मतलब ये जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, समास, संधि वगैरह, थोड़ा बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा यहाँ पे संस्कृत के अंदर। तो अलग से संस्कृत सिखाने के लिए बाहर से एक टीचर आएंगे आपके बहुत ही अच्छे, वो आपको संस्कृत बोलना और अच्छे से आपको संस्कृत से फैमिलियर कर देंगे। जैसे कि आस्तिका मतलब क्या होता है, नास्तिका मतलब क्या होता है, मम, पढ़ंती, पढ़ंती का मतलब क्या होता है, पढ़ना, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो होती है संस्कृत के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। आई होप गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और जो ट्रांजेक्शन करिकुलम है इस साल का वो क्या रहने वाला है BMS फर्स्ट ईयर का, वो भी मैंने आपको बता दिया अच्छे से गाइज। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।